नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी स्पेशल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आप सभी को दिख रहा होगा, मेरा ये आम का पौधा काफ़ी पुराना पौधा है और काफ़ी हैवी पौधा है। मैं आपको दिखाऊँ, इसकी जो तना है आप देख सकते हैं कितना मोटा है। ये पौधा मेरा करीब 3-4 साल का है और अच्छी फ्रूटिंग इस पे आती है आम की। अभी भी आप देख सकते हैं इस पे बोर लग रही है, ये परमानेंट मैंगो प्लांट है। लेकिन इसकी ये दशा क्यों हुई, इस पोजीशन पे ये क्यों पहुंच गया कि इसकी सारी जो है लीव्स आप देख रहे हैं ये सूख गई हैं। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी है मेरे गार्डन के कई सारे पौधे जिन्हें मैं दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए, ये मेरा बोगनविलिया का फ्लावर प्लांट है और ये भी सूखने के करीब पहुँच रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों इसका रीज़न बस इतना है कि जो इतनी धूप इतनी गर्मी पड़ रही है और मैं करीब 2 दिन के लिए बाहर चला गया था, मतलब 2 दिन तक मैं अपने छत पे नहीं आ पाया। तो इन 2 दिनों के लिए जो पौधे मेरे शेड नेट के नीचे हैं और जिनमें मैं जाने से पहले एक्चुअली वाटरिंग करके गया था और भरपूर मात्रा में मैंने वाटरिंग करी थी, पर फिर भी जो पौधे शेड नेट के नीचे हैं और जिनमें वाटर होल्ड रह गया वो तो ठीक रह गए, बाकी सारे पौधे झुलसने लगे। जैसे देखिए, टमाटर के कुछ पौधे हैं इनकी पत्तियां पीली पड़ गई। तो इतनी गर्मी है दोस्तों, इतना धूप है, इसमें आपको अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको चाहिए आप कोई माली या किसी को भी लगा के जाएं जो रेगुलर आपके पौधों को वाटरिंग करता रहे। क्योंकि तो जब इतनी मेहनत से हम छत पे, काफ़ी मेहनत लगती है गार्डनिंग करने में, इतनी मेहनत से हम पौधों की देखभाल करते हैं और 2 दिन बाद हम आएँ और देखें कि हमारा पौधा सूख गया है तो बहुत ही दुख होता है। तो इस चीज़ अपने पौधों को बचाने के लिए आप क्या करिएगा, जब भी कहीं जाइएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी गंदा हो गया है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी आप कहीं जाइएगा खास करके इस चिलचिलाती धूप गर्मी में, तो अपने गार्डन के लिए किसी ना किसी को पीछे ज़रूर छोड़ जाइएगा कि वो आपके पौधों की देख रेख कर लें। और भी मैं दिखाता हूँ, ये नींबू के पौधे हैं, देखिए इनकी सारी की सारी जो है इनमें अच्छी खासी फ्रूटिंग थी, ये देखिए, और सारी फ्रूट्स जो बन रही थी वो सब गिर गई और पौधे की जो पत्तियाँ हैं ये देखिए किस तरह से सिकुड़ गई हैं। वही हाल मेरे इधर जामुन के प्लांट का है, ये देखिए पत्तियाँ जल रही हैं, बर्न हो गया इनमें। तो जब ये वाटर पाते रहते हैं, पानी पाते रहते हैं, तो ये अपने आप को इस धूप में ज़िंदा रख पाते हैं, पर जब इन्हें पानी नहीं मिला तो ये देखिए। तो ये छोटी सी वीडियो मैं बस यही दिखाने के लिए आप लोगों को बना रहा हूँ कि हमारे जो पौधे हैं, हम अगर आउट हो रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं, ये देखिए तेजपात का प्लांट है, ये भी पूरी तरह से सूख गया चूँकि ये डायरेक्ट सनलाइट में थे। जो पौधे शेडेड थे उनमें थोड़ी जान बची हुई है और जो डायरेक्ट थे वो सूख गए। तो आप भी अगर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं इस समय, तो इससे बचने के लिए आप कुछ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखी ये जूट की बोरी है, तो ये जिन जगहों पे ये जूट की बोरी थी और उस पर वाटरिंग करके गया था मैं, तो इन्होंने काफ़ी, जैसे मैंने भिंडी की सीडलिंग करी है तो देखिए भिंडी के सारे सीड्स मेरे काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं, तो इन्होंने धूप से इन्हें बचाया है और इस गर्मी से। तो इस प्रकार आप भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं अपने पौधों को बचाने के लिए, या फिर किसी ना किसी को आप पीछे छोड़ जाइए और हैवी वाटरिंग करके जाइए ताकि आपके पौधे इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में सेफ रहें, बचे रहें। वरना आपके भी पौधे इसी प्रकार, जैसे मेरे सारे पौधे देखिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो कहीं भी बाहर जाने से पहले पौधों की देख रेख के लिए ज़रूर किसी ना किसी को अपने घर पे छोड़ के जाइए। दोस्तों बस यही चीज़ें दिखानी थी आपको ताकि आपके साथ ये ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।